देखो चलो जाएंगे अरे ये हम कर रहे अरे What's up, everyone? It's your boy Furkan Sadiq, and you're watching. You watch FSF Vlogs. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से केव जाना है अंदर और फिलहाल तो नहीं छोड़ेंगे मन कर दिया क्योंकि फुरकान की तो हवा निकल गई फुरकान पी चेहरा वो रहा और मॉडल बॉय आ आ क्या आता है तो फुरकान भाई आपको इंट्रो देंगे क्या इंट्रो देंगे ऊपर से मैं तक वहाँ से दम निकल गया मेरा भाई मुझे नहीं पता है यार भाई थोड़ा प्लीज फाइनली फाइनली गाइस ये अंकली केव बोलते हैं इसको और मैं यहाँ पे रोज आता रहता था कभी 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 रोज नहीं कभी कभी आता हूँ पूरी बात सुनो भाई 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 पूरी बात सुनो हाँ पूरी बात सुन के जाओ एक डाला गया पूरी बात सुन के जाओ खाने का लिए ग्रुप समझ नहीं ये तो यहाँ से नीचे जाना है 100 कितना 100 अभी किसी को जाने पहले 5 years back छोड़ देते हैं नहीं नहीं अभी जाने देते हैं आप छोड़ देते हैं ना वो ओपन करेंगे इसके साथ एक गाइड रहेगा यहाँ पे बोर्ड है दिखा दो यू नॉट बी रेडी बोर्ड है देखो बड़े यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग थिंग देखो यहाँ पे Not your Wow. बाकी सब बढ़िया है तो गाइस इसका हम ऊपर वाला पूरी बात सुनो कि यहाँ पे पूरा शूट हो गया है बस बचा है थोड़ा और यहाँ का कुछ लेक वगैरह का सीन बचा है तो इसके बाद चलो There we go, we got the tickets. For India is 25, for India is 10. Yeah.
सिद्दीक भाई लगे कैमरा सेट करने में, यहाँ पे फराज भाई लगे क्या कर रहे भाई, कॉफी करने कर रहे हैं। आधे रास्ते तक आ गए, वो थोड़ा शूट करना था इसलिए आधे रास्ते तक आए, थोड़ा फाइल्स भी कॉपी करना था ना, तो इसीलिए रुक गए थे यहाँ पे ना। पता नहीं मुझे तो कितनी है भाई। एक बात ना, अभी यहाँ से स्टार्ट है फोर्ट, तो दूसरा स्टेज है, तो यहाँ से आपको लगभग और एक 100 या 150 मीटर्स पर ऊपर है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप एक फेमस पर्सनालिटी है होती राज बोल के, तो पहाड़ों को शायद कोई टीवी शो में आया था ना। हाँ हाँ हाँ, कौन सा था? ईस्टी टीवी 18 पे, ईस्टी टीवी 18 पे आया था, सीजन 3 पे आया था। वही जो जो फॉल्स का क्लाइमर था ना, हिस्ट्री टीवी 18, ओएमजी एमआरआई इंडिया, राइट? ओएमजी एमआरआई गाइस, क्रेजी क्रेजी नहीं भाई, कूल। क्या क्रेजी है, पागलपन थी है क्या? सेलिब्रिटी स्टेप्स इतने बड़े बड़े हैं कि कोई एंशिएंट पिल सांडी बंदा होगा। They have maintained the fort very clean. Yeah. Look at this guys. Yo bro. Yo bro, नहीं बोलता, बोल यार yo bro, अभी काय को बोल रहा है यार। अभी मुझे एक शॉट लेना। अभी ना यहाँ का एक्सप्लोर पूरा होने के बाद, यहाँ सारे चीज़ देखने के बाद घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं यार, बहुत थकान हो गई है यहाँ पे। धूप की वजह से पूरा विटामिन, क्या बोल रहे हैं, विटामिन डी, हाँ विटामिन डी पूरा खत्म हो रहा है सारा। वो देखा ना बचपन में अल्टी जाता था, सूरज ऐसे पैदल खींचता ना, हाँ हो रहा है हमारे साथ। हमको यहाँ पे यहाँ से भी डाल के खींच रहा है, नीचे से भी डाल के खींच रहा है सूरज। फन फैक्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिल गया ब्रो, लुक एट इट, तू का सिटी व्यू वो दिखाते हैं, देखते हैं कैसा आता है। ऊपर जाके आ गया भाई, अभी थक गया हूँ थोड़ा, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, अपन का भाई दिखाएगा आगे। तो गाइस लेट्स मी मूव। हाँ भाई, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो गाइस फुरखान ने कहा था कि वो हॉर्स टो के ऊपर चढ़ के वहाँ से कुछ शॉट्स लिया है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि पाड़ेगर कचेरी बोल के है, ये आप देख लो एक बार, ठीक है। दिस वॉज द हॉल ऑफ दी पाड़ेगर कचेरी, द मिंट एंड पाड़ेगर कचेरी।
See here. Well, guys. फिर हम आ गए हैं, बहुत नज़दीक है ये जो उनके ओबवा केव बोलते हैं ना, उसके बहुत नज़दीक है का तंगी, उधर बाजू वाला जो बगल पे है उसको तंगी हुंडा बोलते हैं. सो गाइस वी विल शोइंग दिस आल्सो, सो इट्स अ मोस्ट वंडरफुल प्लेस हियर, बहुत अच्छा प्लेस है. और नेक्स्ट हम जाएंगे तंगी हुंडा, मीन्स इंग्लिश सिस्टर्स लेक, और लक्का तंगी फिल्टर, इंग्लिश सिस्टर्स लेक, अ स्मॉल लेक बट इट वॉज नाइस. यू ऑन द वे टू द फेमस उनके ओबवा केव, तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है अभी, तो हम दिखाएंगे आपको उनके ओबवा केव. और उससे पहले एक आता है जो पहाड़ों के बीच में से जो पतली सी नाली बोलते हैं ना, वो पानी की नाली, हाँ वो वाला है. दिस वॉज द रिवर, स्मॉल रिवर द फ्लोइंग अराउंड द माउंटेन. तो जो आपने देखा है ना पीछे वाला, वो वाला एक ऐसी रिवर है जो पहाड़ों के बीच में से बहती है. आगे है दी उनके ओबवा केव, बहुत फेमस माना जाता है. एक कन्नड़ा मूवी है जो कॉल्ड एज नागरा हागू, यहाँ पे उसकी शूटिंग चली थी. ये रही वो उनके ओबवा की केव. यहाँ से गाइस सिपाही थे, यहाँ से आते थे बाय द अंडरग्राउंड केव. ये वो केव है, यहाँ से बहुत सारे लोग निकल पड़े थे. दिस वॉज द केव. And this is the completion of our showing the fort.